नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर महू से। वहीं इंदौर लोकायुक्त पुलिस द्वारा मानपुर थाने पर कार्यवाही की गई, जिसमें आरक्षक राजीव कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजीव कुमार इमरान पटेल निवासी इंदौर से शस्त्र लाइसेंस के चरित्र सत्यापन के लिए 16,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। बातचीत के दौरान 5,000 में बात हुई, जिसके बाद फरियादी द्वारा इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस इंदौर को की गई, जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा टीम बनाकर मानपुर थाने पर कार्यवाही की गई और आरक्षक राजीव को थाना परिसर में 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। महू क्षेत्र में यह दूसरी कार्यवाही है जिसमें आरक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 8 दिन पूर्व भी सिमरोल थाना पर आरक्षक और थाना प्रभारी को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 13,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। प्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में रहते हैं, असलपुर में निवास करते हैं। इनका एक बाराबोर के लिए आवेदन किया था, बंदूक के लिए, शस्त्र जिसका, तो उसके लिए ऐसा हुआ था कि यहाँ पर फाइल है इनकी, तो यहाँ मैं मिला तो मुझसे 8,000 की पहले मांग की गई, तो मैंने पहले 8,000 रुपये इनको दे दिए। किससे मांग करी थी? एलडी सर ने, जो टीए साहब के रीडर है, एलडी सर, उन्होंने मुझसे 8,000 रुपये लेकर मेरी फाइल पहुँचा दी। फिर दोबारा एसपी से पुनः विचार के लिए फाइल है यहाँ पर, कि यदि आप 3 महीने हो चुके हैं फाइल आने में, तो पुनः 3 महीने के अंदर आपके ऊपर कोई अपराध तो नहीं हुआ है, तो पुनः विचार के लिए यहाँ पर आई फाइल दोबारा। मैं राजीव को हेड साहब के समक्ष जो है एक आवेदक इमरान पटेल उपस्थित हुए थे, उन्होंने शिकायत करी थी कि यहाँ थाने में रीडर जो है वो चरित्र सत्यापन के लिए 16,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर रिकॉर्डिंग कराई गई थी, रिकॉर्डिंग कराए जाने पर जो है उसमें रिश्वत मांगा जाना पाया गया, तो आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और थाना मानपुर में जो पदस्थ हैं आरक्षक राजीव कुमार सिंह, आरक्षक नंबर 3309, ये जो है आवेदक इमरान खान के जो समधी हैं असगर पटेल।